घटना लगभग 4 साढ़े 4 साल की पहले की है। दोपहर का वक्त था, मैं कल्याण मासिक पत्रिका पढ़ रही थी। मुझे लगता है काफी लोग परिचित होंगे इस कल्याण मासिक पत्रिका से, गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपती है, परिचित है ना, मारवाड़ी तबका है तो जानते हैं। वो पढ़ रही थी, उसमें डेढ़ पेज का, उसके पेज भी बड़े बड़े आते हैं, फुल साइज पेज आते हैं, डेढ़ पेज का एक आर्टिकल लिखा हुआ था स्वामी रामसुख जी महाराज द्वारा, परिचित होंगे स्वामी जी के नाम से भी आप लोग, है ना, उनका लिखा हुआ आर्टिकल था डेढ़ पेज का। डेढ़ पेज में उन्होंने क्या लिखा था खाली सार आप तक पहुंचा रहे हैं। लिखते हैं स्वामी जी कि जो भी आप गलत कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उसका उस कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आप पीठ पीछे दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो जिसकी चुगली जिसकी बुराई आप कर रहे हैं उसके कर्म आपको भोगने पड़ते हैं। मत करो चुगली निंदा बुराई पीठ पीछे, अपने कर्म कम है क्या भोगने के लिए जो दूसरों के भी अपने माथे मरते हो, मत करो। और अंडरलाइन के साथ लिखा था, ये रब कर दो, देख कि मात पिता गुरु और संत, अंडरलाइन मालूम है किसको बोलते हैं, मोटे अक्षर अंडरलाइन, इसलिए कि ध्यान आकर्षित हो, हम उस पर फोकस कर सके। लिखा था कि मात पिता गुरु और संत, इनकी तो गलती से भी बुराई ना करें, पता नहीं चुकाने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला, पता नहीं कीड़े मकोड़े जानवर किस योनि में जाओगे और उन कर्मों को भोगोगे, तो निंदा चुगले बुराई ना करें। डेढ़ पेज का आर्टिकल सिर्फ इसी पर था, हमने उसे पढ़ा पर समहाउ इतना गौर नहीं किया, इतना ध्यान नहीं गया हमारा। और प्रकृति की व्यवस्था देखिए, नारायण की व्यवस्था देखिए, ठीक दूसरे दिन की बात, हमारा मुंबई गोरेगांव गोकुलधाम में सेंटर चलता है सुबह 11 से एक नियमित, जहां एक्यूप्रेशर रेकी अन्य अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी के माध्यम से रोगियों को ठीक किया जाता है। दूसरे दिन की बात, 11 बजे सेंटर खुलता है, 10:55 हम सेंटर की ओर आगे बढ़ रहे थे कि पीछे से मेरा पल्ला मुझे किसी ने खींचता हुआ महसूस हुआ कि कोई पकड़ रहा है। मुड़कर देखा तो अंदाजन 35-36 साल की महिला है ना, और मुझसे बोली कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा है, पर ऑपरेशन अभी हम करवा नहीं सकते क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं हैं, 2 महीने बाद करवाएंगे, बहुत कष्ट है। तो मेरा मन ये बोलता है कि यदि आप हाथ लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हमने कहा हमारे हाथ लगाने से ठीक नहीं होगा, आप आके एक्यूप्रेशर ले लीजिए। बोले 4-5 दिनों से करवा रही हूं पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, मेरा बहुत मन, आप खाली छू दीजिए ठीक हो जाएगा। वो जिस तरह से बोल रही थी, हमने कन्विंस करना चाहा कि भाई हमारे हाथ लगाने से नहीं होगा, पर जो जिस भाव से वो बोलती जा रही थी, लिटरली गिड़गिड़ा रही थी, हमने कहा ठीक है तुम कैबिन में आ जाओ, हमारी एक्यूप्रेशर की टीम अलग है, हम खाली काउंसलिंग करते हैं। कैबिन में बुलाया, हमने उन्हें एक्यूप्रेशर देना शुरू किया सर, और एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं बहुत अधिक पेनफुल होते हैं, तो जब पेशेंट को हम लोग देते थोड़ी बातों में व्यस्त कर देते हैं ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, हम ट्रीटमेंट दे सकें। और सहज ही हमने उससे पूछा कि बहुत अधिक दर्द किस वक्त होता है, चलने में बैठने में उठने में किस वक्त अधिक पेन होता है। उसका कहना था कि सुबह किचन में हम काम करते हैं 2.5-3 घंटा, उसके बाद जब जाकर बैठती हूं तो बैठा नहीं जाता है, टीस मारता है, ये शब्द उसके, बहुत दर्द करता है। तो शरीर से भारी थी, हमने उससे कहा तुम 2.5-3 घंटे लगातार खड़ी रहती हो,
एक एक सत्र, तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों के दर्द होगा, तुम्हारा वजन भी अधिक है, तो 15-20 मिनट काम करो, फिर 5-7 मिनट बैठो, वापस काम करो, ताकि घुटनों को आराम मिले, सारा वजन तुम्हारा उस पर पड़ता है। बोला कैसे कैसे बैठ सकती हूँ सुबह के वक्त, पानी भी उसी वक्त आता है, बच्चों का भी टिफिन होता है, इनका भी टिफिन होता है, अकेले मुझे सारा काम करना पड़ता है। और साथ ही साथ सासू माँ के बारे में बोलना शुरू कर दिया, घर में सासू माँ भी प्रभु मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती, और सासू पुराण चालू कर दिया, समझा? सासू पुराण किसको बोलते हैं, समझा क्या? समझा, हाँ हाँ, सासू ऐसी है वैसी है चालू कर दिया। हमने कहा कि उसने अपने जमाने में बहुत काम कर लिया, अभी हमारा समय काम करने का है ना, उनका बुढ़ापा है, उनको आराम करना चाहिए। तो बोले काय का बुढ़ापा, जब खुद की बेटी आती, तीन दिन अंडे चौके में बैठी रहती, ये बनाऊ वो बनाऊ वो बनाऊ, और मुझे एक सब्जी काट के भी नहीं देती ऐसा, और बोलना शुरू था सासू माँ के बारे में। और एक का एक क्लिक हो गया कि कल तो हमने स्वामी जी के उसमें सुना है, पढ़ा है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, और ये तो माता जी की, सासू माँ की निंदा कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं उनके कर्म भोग रही हो। सहज ही भाव आया, मन में आया कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने उससे कहा कि हम एक शर्त पर तुम्हारा इलाज करेंगे, क्योंकि बातों बातों वो मुझे बोल चुकी थी कि दिन भर सासू माँ से मैं इतनी परेशान रहती हूँ, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती, रात को जब ये आते हैं उनके बेटे को बहुत सुनाती, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी है, दिन भर में जो माँ करती है उसको सारी निंदा रात को हस्बैंड के सामने। हमने उससे कहा कि एक शर्त पर तुम्हारा इलाज हम खुद करेंगे कि तुम्हें सासू माँ की निंदा बंद करनी होगी और उनकी बड़ाई करनी होगी। बोली बड़ाई हमसे नहीं होगी, क्लियर क्लियर बोल दिया है ना, निंदा भी सोचना पड़ेगा। मैंने कहा फिर हम इलाज नहीं करने वाले, क्योंकि हमको तो एक्सपेरिमेंट करना था। बोले ठीक है निंदा नहीं करेंगे, पर बड़ाई हमसे नहीं होगी, क्लियर बोल दिया। सेकेंड डे आई, कुछ परिवर्तन नहीं था, पेन एज इट इज था, पर उसे मन में एक संतोष था कि हम कर रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। हमने आते से पहला प्रश्न पूछा, कल निंदा करी क्या? बोला यहां तक आया उसी 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 ने जो एक्शन किया, पर हम नहीं बोले क्योंकि आपका डर था कि आप इलाज नहीं करोगे। और हमने उससे यह भी कहा था कि तुम तो करोगे नहीं निंदा, और यदि हस्बैंड भी करेगा माँ के बारे में कुछ तो आपको सुनना भी नहीं है। बोले नहीं वो तो नहीं करते, मैं ही करती हूँ। मैंने कहा चलो एक पक्ष है। थर्ड डे दो दिन बीता, 2% 3% थोड़ा अच्छा लगा, चौथे दिन बहुत खुश होकर आई, वेरी हैप्पी। आते से मुझे बोली कल जो पॉइंट आपने दिया था ना वो आज भी देना। मैंने कहा उससे बहुत आराम मिला क्या? बोले नहीं घुटनों में उतना फर्क नहीं है, पर बरसों बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई, जो कॉलेज के जमाने में सोती थी सुबह उठती थी, और कई समय से मैं साउंड स्लीप नहीं सोई हूं, मेरे को बहुत पड़ी, मैं 10 बजे बिस्तर पड़ी, सुबह 6 बजे उठी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, नींद बहुत अच्छी हुई। तो जो पॉइंट आपने कल दिया था आज भी देना। हमने कहा 4 दिन से वही दे रहे हैं आपको, है ना, पॉइंट वही है, पर हो सकता है तुमने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन किया हो तो बताओ, उसका असर होगा कि नींद तुमको अच्छी आई है। उसने चीजें बताई दिन भर में क्या किया, उसमें से एक चीज हमने पकड़ी वो ये कि उसने कहा कि रात को हमने खाने में कैरी की लुंजी बनाई थी, लुंजी मालूम है क्या, मारवाड़ी है ना, और पति को और बच्चों को लुंजी बहुत अच्छी लगी, खाते खाते बहुत बड़ाई कर रहे थे, तो मेरे मुंह से सहज निकला कि मेरे पीहर में तो लुंजी बनती नहीं है, ये रेसिपी तो माँ की है, माँ जी की है ना, उनसे सीख के मैंने बनाया। माँ जी टेबल पर ही थी, बड़ी खुश हुई। मैंने उनसे कहा देखो वो उसकी आत्मा को खुश किया ना, वो वाइब्रेशन से आपको नींद अच्छी आई। अब चूंकि थोड़ा उसे अच्छा महसूस हो रहा था तो मुझसे बोली अभी आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हूं, बस मुझे ठीक कर दो। हमने कहा सासू माँ की बड़ाई कर दो। बोला करेंगे करेंगे, क्योंकि स्वाद आ गया था स्वस्थता का, है ना। उसने लिया लगभग 14 दिन पूरी तरह ठीक होने में, है ना। इस बीच उसका डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट था, क्योंकि ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, डॉक्टर के साथ वो मिलने के लिए भी गई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और कमरे में चलते हुए उसे आते हुए देखा। डॉक्टर ने क्या कहा पता है,
कि तुम्हारी रिपोर्ट्स कहती है कि तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है, पर तुम्हारी चाल बताने की जरूरत नहीं है। यदि दर्द नहीं है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अभी रुकते हैं, जब बहुत पेन होगा तब देखेंगे, फिलहाल नहीं करना है। तो जो थेरेपी तुम कर रही हो कंटिन्यू रखो, ये डॉक्टर के शब्द थे, है ना। हाँ, तो मैं मुझे आके बोली, उसने ऐसा बोला है, मैंने कहा, उसने कहा निंदा चुगली मत करो, है ना। ये ऐसा पेशेंट था कि ये ठीक होने के बाद उसके हस्बैंड हमें धन्यवाद करने, ऐसा बहुत कम होता है कि ठीक होने के बाद वो लोग धन्यवाद करके जाए। 50 को ठीक करते तो मुश्किल से 2 जना के धन्यवाद करते हैं। इसके हस्बैंड मिलने के लिए आए, बहुत धन्यवाद किया कि हम लोअर मिडिल क्लास हैं, ऑपरेशन का इतना खर्चा लगता, ये ठीक हो गई, बच गया, नॉर्मल है। मतलब सबसे बड़ी बात ये ठीक हुई इसकी तो खुशी है ही मुझे। घर का माहौल बदल गया, मेरी माँ का मान सम्मान करने लगी। जो बोला मैं भीतर से घुटता था कि किसकी सुनो, माँ की सुनो किसकी सुनो, सारे दिन अपसेट रहता, घर का वातावरण बदल गया। और सबसे बड़ी बात उस महिला ने शेयर की कि नौकरी पेशा हस्बैंड है, एक पगार लिमिटेड मिलती है, और 26-27 तारीख के बाद पगार आती है 2 तारीख को हाथ में, जो अंतिम 3-4 दिन होते बहुत मुश्किल से करते हैं क्योंकि पैसे होते नहीं है ड्रॉअर में, खत्म हो चुके होते हैं। पर इस बार बोले मैं 15 दिन आपके पास भी आई, 50 रुपया जाने का लगता है, 50 रुपया आने का लगता है ऑटो में आपके पास ट्रीटमेंट कराने का, उसके बावजूद भी ड्रॉअर में 2000 रुपए बचे पड़े हैं। ये तो हमको भी बड़ा मजा आया रिसर्च करके। अब हमने क्या किया कि सारे पेशेंट्स पर चालू कर दिया एक्सपेरिमेंट, कि जो भी ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है उसको ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि मालूम पड़े कि क्या चीजें स्वामी जी महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। आप यकीन मानिए मन से बोल रहे हैं, हीलिंग बहुत फास्ट होने लगी, बहुत फास्ट। जब 5-6 एक्सपेरिमेंट हो गए तो हमारा सत्संग चलता है बुधवार का, हर बुधवार 11 से 1, लगभग 400-500 लोग वहां आते, मेजर महिलाएं आती। हमने जो एक्सपीरियंस आपको सुनाया एज इट इज उनको सुना दिया कि आप लोग भी निंदा चुगली बुराई बंद कर दीजिए, दूसरों के कर्मा को भोगना पड़ता है हमको, है ना, ये बता दिया उनको। और जो आते हैं सत्संग वो इतने समर्पित भाव के कि जो कहते हैं उस पर पूरा फॉलो करते हैं। तो खाली 2 केस की यहां पर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि केस तो बहुत ज्यादा है निंदा चुगली बंद करने क्या क्या रिजल्ट है। 2 केस की आपको, एक हमारे पास थाना से साउथ इंडियन लेडी आती थी सत्संग में, आती है बीबी, उसका बेटा स्लो लर्नर, पूरी क्लास लिख ले वो धीरे धीरे 10% ही लिख पाता था, कई थेरेपी वो करवा रही थी उसके ट्रीटमेंट के लिए पर नतीजा नहीं आ रहा था। सत्संग में जब उसने सुना, सासू के साथ रहती थी, सासू भी घर में थी और सासू का बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं, बल्कि उसने जात सत्संग में जब सबका एक्सपेरिमेंट सुना, घर गई, सासू माँ से माफी मांगी कि मैंने आज तक जो गलत व्यवहार आपके साथ किया है वो अब से नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए, और सासू माँ को मान सम्मान देना शुरू किया। वो लेडी आकर कहती है जो लड़का मुश्किल से 35% आता था, आज की तारीख में ही वो ला रहा है 90%। सब जो धीरे धीरे उसकी जो लोसनो फटाफट पिकअप करना पिकअप करता करता, आज की 4 साल पुरानी बात है ये, आज ये अवस्था है 90+ ला रहा है। दूसरा केस, एक महिला ने कहा, शेयर किया कि उसका एक बेटा, बेटे को ब्याया, बहू आई और कुछ सासू माँ बेटे की नहीं बनी तो बिना बताए बेटा बहू घर से चले गए, कहाँ गए ये भी समाचार नहीं। उसने 2-4 बार हमसे आके कहा ये बात कि वो कहाँ गए मालूम नहीं है और उनका कोई फोन भी नहीं आता है। हमने कहा उनका नहीं आता तुम कर लो, इसने करना शुरू किया, पर बेटा भी फोन काट देता, बहू भी फोन काट देती, कोई संपर्क नहीं, आके मुझसे बोले वो काट देता है फोन। हमने कहा अपनी प्रार्थना चालू रखिए और फोन करना चालू रखिए, किसी दिन तो उठाएगा वो। एक दिन उठाए बेटे ने, चिल्लाया जोर से कि क्यों परेशान कर दिया, तुमसे कोई संबंध ही नहीं है हमारा, छोड़ दिया। सत्संग में बैठी हुई थी, सोच रही थी कि मैं किसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि लोग शेयर करते तो खुद को टटोला उसने। तो
तो उसको एहसास हुआ कि शाम को जब राउंड मारनी जाती है सोसाइटी में, वॉक करने जाती है, तो बिल्डिंग के सामने 8-10 महिलाएं घेरा बना के बैठती है, और जो महिला नहीं आती उसकी चर्चा। देख अपने आप ही बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। सत्संग से जाने के बाद उसने कहा उन अपने ग्रुप को कि यदि देखो तुम लोग किसी की निंदा चुगली बुराई करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, मैं मेरा वॉक करूंगी, क्योंकि मैं सत्संग में बोला गया नहीं करना, दूसरों के कर्मों को हम अपने सर नहीं लेना है। तो महिलाएं हंसने लगी कि चुगली नहीं करेंगे तो टाइम पास कैसे होगा। बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। बोला मैंने वॉक करना चालू कर दिया, माला करती वॉक करती। तीसरे दिन बेटे का फोन आता है, माँ कैसी हो। थर्ड डे जन्मदिन भी माँ का आया तो सत्संग में मिठाई लेकर आया था सेलिब्रेशन के लिए। एग्जाम्पल बहुत है पर समय सीमित है। हम विस्तार से चर्चा इस बात की करते हैं कि जब हम निंदा करते हैं तो कैसे कर्म हमारे माथे आते हैं। ये ध्यान से देख लीजिए, आपको कई प्रश्नों के उत्तर त्वरित मिल जाएंगे।